सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डैमेजिंग गेमर्स विथ अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गैरेना फ्री फायर। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी वैसी नहीं होने वाली, आज की वीडियो कुछ स्पेशल है। तो जैसा कि आप थंबनेल से तो जान ही गए होंगे, वैसे आपको पता भी होगा कि गैरेना फ्री फायर एक बहुत बड़ा कोलैब ला रही है, और कोलैब ला रही है नारुतो के साथ। तो जो भी हमारे एनआईएम फैंस है तो आप तो खुशी हो जाओ। तो जो ये कोलैब होने वाला है, तो कोलैब के बाद क्या नारुतो का कोई नया कैरेक्टर आएगा, कौन कौन से बंडल आएंगे, अगर कैरेक्टर होगा तो उसकी क्या एबिलिटी होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कोलैब की डेट क्या है, कब होगा कोलैब, तो ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्री फायर ने ऐसे मतलब यूट्यूब पर तो डाला नहीं है कि नारुतो के साथ कोलैब होगा, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर हमें बताया है। तो आप देख ही सकते हैं, ये फ्री फायर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और इसको आप जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिखेगा गैस हु सेंड दिस गिफ्ट करके, और इसमें आपको एक नाइफ़ की स्किन दिखेगी। और ये नाइफ़ की स्किन किसकी है वो मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आप सब जानती होंगे कि कौन सा फेमस कैरेक्टर ये यूज़ करता है। एंड सेकेंडली, जब आप इसके बाद वाली, इसके जस्ट ऊपर वाली पोस्ट देखेंगे तो ये देख सकते हैं फ्री फायर एक्स नारुतो। ओके, तो ये बताया कि फ्री फायर का कोलैब होगा, और इसके ऊपर अगर आप जूम करेंगे टॉप लेफ्ट में तो इधर आपको देखने को मिलेगा लॉन्चिंग अर्ली 2025। तो इससे हमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि फ्री फायर का जो कोलैब होने वाला है नारुतो के साथ वो अर्ली 2025 यानी कि 2025 के स्टार्टिंग में होगा, और स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली तो जनवरी में ही हो सकता है, और जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली तो ये 5 से 15 तारीख के बीच में होगा, क्योंकि वही डेट है जब फ्री फायर मतलब अपने अपडेट्स या कुछ नई चीज़ें निकालती है। ओके, तो ये बात हो गई कि कोलैब आपको कब देखने को मिलेगा, लेकिन कोलैब में आने क्या क्या वाला है, नई नई चीज़ें क्या देने वाली है गैरेना। तो सबसे पहले अपडेट तो ये है कि जो हम कैरेक्टर के लिए इतना एक्साइटेड थे कि नारुतो का या नारुतो के कैरेक्टर्स का हमें गेम में भी एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो वो तो नहीं आने वाला। कैरेक्टर वगैरह तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन उनके कॉस्ट्यूम्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अब कॉस्ट्यूम्स कौन कौन सी होने वाली है, तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, जो ये ड्रेसेस ऊपर है ये कॉस्ट्यूम आने वाले हमारे गेम के अंदर जब भी ये इवेंट या कोलैब होगा। और ये जो सारी ड्रेसेस आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी 2D में, यानी कि जैसे डीमन स्लेयर की आई थी पहले, वैसे ही ये वाली देखने को मिलेगी। तो गाइज, मतलब जो जो बंदे फ्री फायर छोड़ के चले गए थे, पहले डिलीट कर दिए थे गेम, वो भी इस कोलैब के बाद 110% वापस ज़रूर आएंगे। और फ्री फायर के मतलब जो कोलैब्स होते हैं, मतलब क्या ही कहना उनका, तो मतलब कहाँ कहाँ से कोलैब्स लाते हैं वो। फ्री फायर के पहले कोलैब्स हुए वन पंच मैन से, अटैक ऑन टाइटन से, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, और अभी MSD के साथ भी होने वाला था, वो हुआ नहीं, फ्री फायर इंडिया नहीं आया उस वजह से। लेकिन मानना पड़ेगा फ्री फायर इंडिया के जो कोलैब्स है वो भाई मतलब एक नंबर। ओके, तो एक और चीज़ की बात की जाए तो नई लोडिंग स्क्रीन भी हमें देखने को मिलेगी जिसपे नारुतो होगा। ये जो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ऐसी कुछ लोडिंग स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, आप कितना एक्साइटेड है फ्री फायर और नारुतो के कोलैब से, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।